की वर्कशीट नंबर 140। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, आज हिंदी की वर्कशीट आई है, लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। क्या लिखा है? नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, यानी हेलो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है बच्चों, आज हम आ, ई और ए की मात्रा के शब्द का पूर्ण अभ्यास करेंगे, यानी उनको रिवाइज करेंगे। आइए नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। देखें यहाँ क्या लिखा है, गिलास। तो देखिए इसमें छोटी ई की मात्रा भी है और आ की मात्रा भी है। केला, तो देखिए यहाँ ए की मात्रा भी है और आ की मात्रा भी है। अनार, इसमें सिर्फ और सिर्फ आ की मात्रा है। बेलन, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए की मात्रा है। चिड़िया, इसमें दो बार छोटी की मात्रा है। तेल, तो इसमें ए की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, करेला, ए की मात्रा और आ की मात्रा। टमाटर, तो सिर्फ आ की मात्रा। किताब, तो ई की मात्रा और आ की मात्रा। और आम, आम में तो बड़ा आ ही आ गया। उसके बाद शेर, ए की मात्रा। कागज, एक आ की मात्रा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना किस तरह से अलग अलग मात्रा लगी हुई है। अब यहाँ लिखा है, आइए अब एक कहानी पढ़े। कहानी पढ़कर आ, ई और ए की मात्रा के शब्दों को दिए गए खाली स्थान में लिखिए। ये देखिए यहाँ आपको खाली स्थान दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, आ की मात्रा का शब्द जैसे साथ, ठीक है। इसी तरह से ई की मात्रा में लिखा है दिया, और उसी तरह से ए की मात्रा में लिखा है रमेश। तो पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा, राकेश और दिया भाई बहन थे। तो अब देखिए राकेश आप यहां लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। राकेश आ जाएगा यहाँ, राकेश और दिया, दिया यहाँ आ चुका है, ठीक है। दिया भाई बहन थे, थे भी यहाँ आ सकते हैं। जो देखिए वर्ड्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको सिर्फ एक दो तीन चार, चार लिखने। तो मैं आपको अंडरलाइन करती चलूंगी, जो आपको अच्छा लगे आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, राकेश और दिया भाई बहन थे, एक बार उन्होंने मेले में जाने की सोची। तो अब देखिए जाने, सोची, मेले, है ना, उन्होंने, तो इन सब में मात्राएं हैं एक ही मात्रा। देखिए इन सब में एक ही मात्रा है, जाने में आ की मात्रा भी है। क्या लिखा है, मेला शहर के दूसरे तरफ लगा करता था, जहां रेल की मदद से जाना पड़ता था। तो पड़ता था, जाना, से, रेल, ये देखिए इसमें आ की और ए की मात्रा है, आराम से आप लिख सकते हैं। वे अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाने को तैयार हो गए, यानी उन्होंने क्या प्लान बनाया कि अब हम मम्मा पापा के साथ मेला घूमने जाएंगे। बारिश का समय था, तो मम्मा ने थैले में कुछ छतरियां रख ली। अब देखिए छतरियां, ये भी आपकी ई की मात्रा हो गई छोटी, है ना, बारिश, ये देखिए छोटी ई की मात्रा हो गई। तो और ये थैले, यहाँ पे देखिए ला में जो है ए की मात्रा है, तो आप इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। तो माँ ने जो है कुछ छाते भी रख लिए, माँ ने रास्ते के लिए दाल चावल और पानी भी रख लिया, यानी माँ ने, अब दाल और चावल दोनों में आ की मात्रा है, पानी में पानी में भी आ की मात्रा है। अब क्योंकि ना में बड़ी की मात्रा है वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन लिया, लिया में छोटी की मात्रा है, हम उसे लिख सकते हैं। साथ ही उन्होंने रास्ते में खाने के लिए कुछ थालियां और गिलास भी रखे, यानी अब उन्होंने कहा कि भाई रास्ते में दाल चावल खाएंगे तो हाथों में तो खाए नहीं जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने कुछ थाली और गिलास वगैरह भी रख लिए। वे घर से मेले के लिए निकले, अब वहाँ घर से कहाँ निकले, मेले लिए जाने के लिए निकले। रेल में बैठकर उन्होंने खाना खाया, थोड़ी ही देर में वे सब मेले में पहुँच गए। उन्होंने मेले में जाने के लिए टिकट ली, अब देखिए टिकट लिए, है ना, तो इन सब में क्या है, मात्राएं हैं किसकी, छोटी ई की, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। और अंदर जाकर झूलों की सवारी की, सवारी का मजा लिया, और अंदर गए और फिर उन्होंने झूला झूला, वहां उन्होंने अलग अलग करतब होते हुए देखे, यानी अलग अलग करतब भी हो रहे थे मेले में। आप सब जानते हैं मेले में अलग अलग तरह के करतब दिखाए जाते हैं। राकेश और दिया को बहुत मजा आ रहा था, अब शाम हो गई थी और घर जाने का वक्त भी हो गया था। राकेश ने जाते हुए दुकान से एक किताब खरीदी और दिया ने एक विमान खरीदा। अब राकेश ने किताब खरीदी, तो किताब में भी देखिए छोटी की मात्रा है ना, और दिया ने क्या खरीदा, विमान, तो विमान में छोटी ई और आ की मात्रा भी है।
मम्मी पापा ने घर के लिए केले, आम और नारियल खरीदे, मम्मी पापा ने खाने पीने का सामान खरीदा, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे आसानी से वर्ड्स लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहे, जो आपको अच्छे लगे, मात्रा वाले आप लिख सकते हैं पूरी कहानी में से। अब लिखकर चित्रों को पहचान कर उनके नाम बोलियो और चित्रों के नाम अपनी कॉपी पे लिखिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, आधा अदराकारक अदरक। अब यहाँ अगला क्या है, सेब। तो ये देखिए ये लिखा आपका सेब, सा सामे ए की मात्रा बा सेब, आप लिख लेंगे आसानी से। अगला क्या है, ये आपका घर। तो देखिए ये लिखा घर, घा रा घर, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है आपका, किताब। देखिए ये लिखा किताब, आप लिख लेंगे का में छोटी ई की मात्रा, ता में आ की मात्रा बा किताब, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, केला। तो देखिए ये लिखा केला, आप लिख लेंगे का में ए की मात्रा, ला में आ की मात्रा केला। उसके बाद ये क्या है आपका, हाथ। तो देखिए ये लिखा आपका हाथ, आप लिख लेंगे हा में आ की मात्रा और था हाथ, ठीक है। इसी तरह से आप आगे देखिए क्या लिखा है, ये है आपकी चिड़िया। तो आप इसको यहाँ से लिख लेंगे चा में ई की मात्रा, ड़ा में ई की मात्रा, या में आ की मात्रा चिड़िया, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या लिखा है, करेला। तो आप कैसे लिखेंगे, करा में ए की मात्रा, ला में आ की मात्रा करेला, ये लिखा करेला आपका, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या लिखा है, शेर। तो देखिए ये रहा शेर आपका, मैं कलर चेंज करती हूँ, ये रहा आपका शेर, आप लिखेंगे शाह में ए की मात्रा रा शेर। उसके बाद ये आपका क्या है, दरवाजा। तो ये देखिए ये लिखा दरवाजा, कैसे लिखना है, दारा दर वा में आकर मात्रा, जा में आकर मात्रा, जा दरवाजा, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका क्या बचा है, छाता। तो आप ऐसे लिखेंगे छा में आ की मात्रा, ता में आ की मात्रा छाता। तो आप लिख सकते हैं सारे, और ये बचा अदरक, ये तो हमने पहले ही लिखा हुआ मिला है। तो आप सारे आसानी से लिख लेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती, हाँ माना कि मेरी राइटिंग गंदी है यहाँ पे, है ना, तो आप लोग यहाँ जो लिखा हुआ है उसमें से देख के लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो देखिए यहाँ आपको टीचर के लिए कहा गया है, रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड, यानी टीचर से कहा गया है कि बच्चों को आवश्यकता अनुसार वर्कशीट समझाने में उनकी मदद करें। उसके अलावा आपके पेरेंट्स को कहा गया है, माता पिता बच्चों को अपने मन की बात कहने का अवसर प्रदान करें और उनकी बात को ध्यान से सुने, इससे बच्चों में आत्मविश्वास और परिवार के प्रति स्नेह बढ़ता है। यानी आपके मम्मी पापा से कहा जा रहा है कि वो आपकी सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना करें और आपकी हर बात को समझा करें। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।